हेलो फ्रेंड्स, आपका अभय टेक्निकल में स्वागत है और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको MIUI 9 के ग्लोबल बीटा वर्जन 7.12.14 का एक अपडेट देना चाहूँगा। तो आपने मेरी ये वीडियो देख ली होगी कि मुझे अपने डिवाइस पर अपडेट मिल चुका है और ये डिवाइस मुझे उसी वक्त अपडेट भी हो गया था, मगर मुझे फ़ीचर्स ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया इसमें कि और हमें क्या क्या नए फीचर्स मिलते हैं। और इसमें हमें और कोई नए फीचर्स नहीं मिलते, जो कि हमें हर अपडेट में कुछ हिडन फीचर्स भी मिलते हैं। तो पहला जो मेन हाईलाइट थी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको एक नया फीचर मिलता है हॉटस्पॉट में। तो अगर आप हॉटस्पॉट पे जाते हैं और आपको यहाँ पर एक नया ऑप्शन मिलता है वन टाइम डेटा लिमिट। तो यहाँ पर लिखा गया है कि डेटा लिमिट विल बी अप्लाइड नेक्स्ट टाइम योर हॉटस्पॉट इज़ ऑन। तो अगर आप इस पर करते हैं तो आप अपने हॉटस्पॉट की लिमिट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप अपने फ्रेंड से थोड़ा इंटरनेट शेयर कर रहे हैं तो अगर आप उसको बस 50 MB देना चाहते हैं तो आप उसको बस 50 MB दे सकते हो। और यहाँ पर जब एक्सीड हो जाए तो यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, टर्न ऑफ एंड नोटिफाई या ओनली नोटिफाई। या फिर आप अगर अपना वर्क कर रहे हैं PC पे तो आप हॉटस्पॉट ऑन ही करते होंगे, मगर आपको अगर कुछ लिमिटेड साइज में यूज़ करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वरना आप कस्टम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर GB और MB हमें दोनों का ऑप्शन मिलता है और ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और हमें यहाँ पर एक और नया फीचर मिलता है, जैसे कि अगर हम सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे, डेटा यूसेज पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पे जाएंगे, तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में डुअल सिम है तो आप उसमें सेपरेट डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं सेपरेट ऐप के लिए। तो अगर जैसे आप अमेज़ॉन शॉपिंग यूज़ कर रहे हैं तो आप शायद अपने सेकेंड सिम का डेटा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, और आप कुछ इसी तरह से अपने दोनों सिम का सेपरेट डेटा यूसेज कर सकते हैं। और मैं अगर आपको और चीज़ें दिखाऊं व्हाट्सएप सेशन में तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, और जो कि मैंने आपको बता दिया सेपरेट डेटा यूसेज लिमिट फॉर इंडिविजुअल सिम कार्ड्स, और हमें यहाँ पर कुछ भी नया नहीं मिलता है। और इस अपडेट में उन्होंने आखिरकार ऑटो ब्राइटनेस सेंसर को फिक्स कर दिया, क्योंकि मेरे डिवाइस में 1 मंथ से इशू आ रहा था ऑटोमेटिक सेंसर में, ऑटोमेटिक लाइट सेंसर में। इसमें मेरा ऑटोमेटिक ब्राइटनेस सेंसर काम नहीं कर रहा था ढंग से, तो उसको भी फिक्स कर दिया गया है आखिरकार। और हमें यहाँ पर एक और नई चीज़ मिलती है, गूगल ऐप। गूगल ऐप आपके लिए एक नई चीज़ नहीं होगी, मगर ये नई चीज़ कह सकते हैं। अगर हम गूगल के मेन्यू में जाकर देखते हैं तो हमें यहाँ पर कहीं भी गूगल बार देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पर कोई भी गूगल ऐप नहीं है। और ये मेरे डिवाइस में भी गूगल ऐप को शो नहीं करता था, मगर जब ये मेरा डिवाइस अपडेट हुआ तो मुझे यहाँ पर एक गूगल ऐप अपनी सेपरेट यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि जब ये MIUI 8 पे था तो ये वहाँ से गायब हो गया था और ये फिर से वापस आ गया। तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि अगर मुझे क्विक सेटिंग्स एक्सेस करनी पड़ती थी तो मुझे वॉइस सर्च पे जाके वहाँ से खोलना पड़ता था, मगर ये बहुत ही बढ़िया चीज़ कर दी Xiaomi ने कि गूगल ऐप को फ्रंट पेज पे वापस आइकन आ गया है उसका। और हमें इसमें और कोई नए फीचर्स नहीं मिलते हैं, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। सो अभय टेक्निकल की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।